आज हम बनाएंगे माँ छोले की दाल। उसके लिए मैंने तीन दालें मिक्स करके ली हैं, काली माँ की दाल, हरी मूंग दाल और चने की दाल। काली माँ की दाल मैंने दो मुट्ठी ली है, एक मुट्ठी हरी दाल मूंग की और एक मुट्ठी चने की दाल। इन तीनों दालों को मिक्स करके हम अच्छे से धो लेंगे, दो तीन पानी से धोएंगे और उसके बाद हम इसे साफ़ पानी में 1 से 1.5 गिलास में भिगो देंगे। हमने तकरीबन 1 गिलास भर के, बड़ा ग्लास भर के पानी का लिया है और इस दाल को हम 15 से 20 मिनट के लिए भिगो देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद हम कुकर चढ़ा देंगे गैस पर, उसमें हम भीगी हुई दालें डाल देंगे। दाल डालने के बाद हमें थोड़ा सा पानी उसमें और चाहिए, इसलिए हम 1/2 गिलास के करीब पानी और डालेंगे। आप दाल में पानी देख लीजिए, ये दाल पानी ज़्यादा सोखती है तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालिए, नहीं तो दाल लग जाएगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम तकरीबन 1/2 छोटा चम्मच डाल रहे हैं और 1/2 छोटा चम्मच हम हल्दी का डाल रहे हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं और हल्दी आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद हम इसे 3 से 4 सीटी आने तक गैस पर रखेंगे, 1 सीटी तेज आंच पर और 3 से 4 सीटी धीमी आंच पर। यहाँ 1 सीटी आने के बाद मैंने गैस को धीरा कर दिया है। जब 3 सीटी आ गई मैंने गैस बंद कर दिया है और हम गैस को, कुकर को ठंडा होने देंगे गैस बंद करके। जब तक कुकर ठंडा होता है हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए हम प्याज ले रहे हैं, मैंने 1 प्याज लिया है। हम 1 प्याज को छीलकर चॉपर में चॉप कर लेंगे। ये 1 मीडियम साइज का प्याज है। प्याज आप अपने स्वाद के अनुसार बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें प्याज नहीं डालना चाहते तो ना डालें, आप सिर्फ टमाटर का तड़का भी लगा सकते हैं। प्याज चॉप हो गई है। अब हमने एक कढ़ाई गैस पर रखी है, उसमें हमने 1 कड़छी तेल डाला है। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गरम होने देंगे। तेल गरम होगा तो हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/2 छोटा चम्मच जीरे का। साथ ही 1/4 चम्मच हींग की। हींग से दाल में अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम डालेंगे चॉप की हुई प्याज। चॉपर से भी हम प्याज निकाल लेंगे।
हम प्याज भूनने देंगे अच्छे से। प्याज को भूनने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। गैस सिम कर देंगे, तब तक हम तड़के के लिए टमाटर और हरी मिर्च चॉप कर लेंगे। आप 2 हरी मिर्च ले सकते हैं या अपने स्वाद के अनुसार। मैंने यहाँ 2 हरी मिर्च और 2 टमाटर लिए हैं। आप इसे मिक्सी में भी क्रश कर सकते हैं, पर चॉपर में चॉप किए हुए या हाथ से कटे हुए टमाटरों का स्वाद अलग आता है इस दाल में। यहाँ तब तक हमारे प्याज भून चुके हैं, हमारे प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये पेस्ट मैंने घर पे बनाया हुआ है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। आधा छोटा सा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसको हम भून लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो अदरक लहसुन जल जाएगा। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के हमने इसे मिक्स कर लेना है। और साथ में हम इसमें मसाले डाल देंगे। मसालों में मैंने पहले डाला है नमक, नमक मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 चम्मच और डाला है, क्योंकि ये दाल तकरीबन 3 से 4 लोगों के लिए है। पहले दाल में नमक डाला था, अब इसके हिसाब से डाला है। साथ ही 1/2 चम्मच हल्दी डाली है और 1/4 चम्मच छोटा गरम मसाला, और 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर का डाला है, और 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च का डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों को मिक्स कर लेंगे और इन्हें भूनने देंगे जब तक तेल छूट ना जाए। मसाला भूनने की निशानी यही है, जब तेल अलग होने लग जाए तो मसाला आपका भून चुका है। यहाँ हम अपनी दाल देख लेंगे, दाल उबल चुकी है। बिल्कुल मैश हो चुकी है, तो गल गई है। इसे हम अच्छे से हिला लेंगे, इसे दाल घोटना कहते हैं पंजाबी में। यहाँ मैंने एक छोटे से फ्राई पैन में कसूरी मेथी डाली है 1 चम्मच, तकरीबन एक बड़ा चम्मच, और इसे मैं गरम करके भून रही हूँ। हम इसे हिलाते हुए भूनेंगे, नहीं तो ये जल सकता है। मैंने गैस धीमी की है, फिर तेज की है, धीमी की है। ऐसे करते हुए हम इसे भूनेंगे जब तक इसकी नमी निकल जाए। हाथ लगा के हम देख सकते हैं इसकी नमी निकल चुकी है, अगर नहीं तो इसे और भूनेंगे। अब यहाँ पे मेरी कसूरी मेथी भून चुकी है, मैंने गैस ऑफ कर दिया है और इसे पैन में ही रहने देंगे।
यहाँ हमारा तड़का भून चुका है, तेल छूट चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें कसूरी मेथी जो है वो डाल दूंगी। आप कच्ची कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, पर भुनी हुई मेथी का स्वाद अलग ही आता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी दाल इसमें डाल देंगे। दाल में मैंने आधा ग्लास गरम पानी का और डाला है, जिससे दाल थोड़ी पतली हो जाए। और इसमें गरम पानी ही डालें, नहीं तो गरम सर्द होने की वजह से थोड़ा सा दाल वो हो सकती है। दाल को मिक्स कर लेंगे। अब दाल में उबाल आने देंगे। दाल में दो तीन उबाल आ चुके हैं, हमारी दाल तैयार है। अब हम इसे धनिए से गार्निश कर लेंगे। मैंने धनिया डाल दिया है। ये हमारी गर्मा गर्म दाल रोटियों के साथ खाने के लिए तैयार है। आप इसे तंदूरी रोटी के साथ ले सकते हैं, या घर की घी वाली रोटी के साथ भी, या चावल के साथ।